प्रदेश में भाजपा की सरकार को लगभग 20 साल पूरे हो चुके हैं, यानी जो युवा इस बार के चुनावों में पहली बार वोट डालेंगे, उन्होंने भाजपा की सरकार को ही देखा है। ये युवा सौभाग्यशाली है कि इन्होंने एमपी में कांग्रेस का वो बुरा शासन, वो बुराइयां उन्होंने देखी नहीं है। एमपी में कांग्रेस के शासन की पहचान थी कुनीति, कुशासन और करोड़ों का करप्शन। आजादी के बाद मध्य प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस का ही शासन रहा, लेकिन कांग्रेस ने साधन संपन्न मध्य प्रदेश को, समर्थ युवाओं वाले मध्य प्रदेश को बीमारू बना दिया। दोस्तों, बीमारू बना दिया। यहां के युवाओं ने कांग्रेस के जमाने की खराब कानून व्यवस्था नहीं देखी। यहां के युवाओं ने इस दौर की खस्ता हाल सड़कें नहीं देखी। यहां के युवाओं ने अंधेरे में जीने को मजबूर गांव और शहर नहीं देखे। अपने हर कार्यकाल में भाजपा ने एमपी को नई ऊर्जा के साथ नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास किया है। इसलिए यहां के युवाओं ने भाजपा का सुशासन ही देखा है। संसद भवन बना, पूरा देश इसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा है, लेकिन कांग्रेस ने पहले दिन से ही विरोध करना शुरू कर दिया। अब भी नकारात्मकता फैला रहा है कांग्रेस वाले। भारत कुछ भी नया करे, भारत कोई भी उपलब्धि हासिल करे, कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। मैं जरा मध्य प्रदेश के लोगों से पूछ रहा हूं, जवाब देंगे आप? एक सवाल पूछ रहा हूं, जवाब देंगे आप? मुझे बताइए, देश का नाम रोशन हो तो आपको खुशी होती है कि नहीं होती है? देश की इज्जत बढ़े तो आपको खुशी होती है कि नहीं होती है? देश का मान बढ़े तो आपको गौरव होता है कि नहीं होता है? आपको होता है, कांग्रेस वालों को नहीं होता है, क्योंकि कांग्रेस ना खुद बदलना चाहती है और ना ही देश को बदलने देना चाहती है। साथियों, देश समृद्धि की तरफ बढ़ने के लिए घोर परिश्रम कर रहा है, लेकिन कांग्रेस देश को 20वीं शताब्दी में ले जाना चाहती है। मैं मध्य प्रदेश के युवा साथियों को, हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स को एक बात जरूर बताना चाहता हूं। मेरे नौजवान साथियों, मेरी बात गौर से सुनिए और घर जाकर के अपने माताजी, पिताजी, नाना नानी, दादा दादी, जरा मैं जो कह रहा हूं उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए। मेरे युवा साथियों, आपके माता पिता
आपके दादा दादी को अभाव में रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है।